अब जा रहे हैं नुब्रा की तरफ। लड़की का झुंड हमसे आगे ओवरटेक करना पड़ेगा। सेंड यू से इधर हर साइड में छोटा सा पर भी है। नौ बजने वाला है 8:59 और हम हैं लेह में और अभी निकल रहे हैं खरदुंगला की तरफ और खरदुंगला होके आ जाएंगे नुब्रा वैली। तो अभी मिलते हैं आपको बाइक के सेटअप पर। तो अभी टाइम हो गया 9:08 और बाइक का कोल्ड स्टार्ट हो गया। तीनों बाइक चलने के लिए रेडी है तो हम जाएंगे डायरेक्ट। हम रुके थे टोंग स्टॉट गेस्ट हाउस पे, तो इस गेस्ट हाउस से डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाना है और ऊपर एक पेट्रोल पंप भी है तो फ्यूल अप वही पेट्रोल पंप पे करेंगे और वहीं से निकलना पड़ेगा। हामी यो बाटो माथि पेट्रोल पम्पमा बस्नुपर्छ। जब आप ले से निकलेंगे तो ले से खरदुंगला जाने के लिए रास्ता सिर्फ एक ही है तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो यही रास्ता खरदुंगला तक जाएगा और आज हम खरदुंगला होके जाएंगे नुब्रा वैली और नुब्रा वैली में स्टे करने का आज प्लान है। और खरदुंगला जाने के रास्ते से दिख जाता है इस टाइप का नज़ारा, पूरा ले का ले सिटी दिख रहा है इधर से और वो है पैलेस, किंग का पैलेस भी उधर। दोस्त लोग मेरा आगे जा रहा है और बड़ी स्पीड में थोड़ा तेज जा रहा है। बहुत ब्यूटीफुल जगह है ये और उस साइड है शांति स्तूपा। तो थोड़ा तेज जाता हूँ सीधा रास्ते में। और सबसे ज़्यादा सामान मेरी बाइक में है, आप देखते हैं मेरा बाइक कैसे परफॉर्म करते हाई एल्टीट्यूड में, हाईस्ट पास में किस तरह से परफॉर्म कर पाते हैं चेक कर लेते हैं, वो भी सामान के साथ। लगेज उसके से मेरे और मेरा बाइक का सेटअप कुछ इस टाइप का है। गोप्रो माउंट किया हूँ चार्ज के लिए और यहाँ पर पूरा लगेज लगाए और टेंट भी लिया हूँ, जेडी कैन दोनों लिया हूँ। तो अभी दोस्त का बंजी कट खुल गया है तो उसको थोड़ा टाइट करके फिर से कंटिन्यू करेंगे। अभी हम खरदुंगला से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे लेह से लगभग 19-20 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर चेक पोस्ट है जहाँ पर आपको एंट्री करना पड़ता है। ऊपर यहाँ पर बाइक का नंबर सब लिख के यहीं से
एंट्री करके ही जाना पड़ता है। और हम लोग यहाँ पर रुके कैफ़े में, टी कर लिया, चाय ब्रेकफास्ट कर लिया और अब फिर कंटिन्यू करेंगे। तो अभी निकलते हैं फिर से खरदुंगला की तरफ। तो फ़ोन में चार्ज थोड़ा कम है गोप्रो में, डायरेक्टली आपको खरदुंगला पे मिलते हैं। सो फाइनली गाइस, लगता है कि पहुंच गए हम खरदुंगला। यस, पहुंच गए खरदुंगला। वेलकम टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइटी खरदुंगला, एल्टीट्यूड 17,982 फीट। सो फाइनली रिच्ड खरदुंगला और यहाँ पर भी कैंटीन वैंटीन मिल जाता है खाने के लिए। तो अभी खरदुंगला टॉप कंप्लीट, उतना टफ नहीं था। इट्स 11:29 में फोटोग्राफी सब ले लिया, बहुत सारा बाइकर आए लेकिन साला फ़ोटो खींचने के में बहुत ज़्यादा लाइन और फ़ोटो खींचने के टाइम पे परेशान। अबे अब निकल रहे उमलिंगरा की तरफ, नॉट उमलिंगरा, नुब्रा वैली। तो आज नुब्रा वैली पे ही रुकेंगे। अभी फिर से मून लैंड में आ गए हम लोग। देखा जाए तो पूरा लद्दाख मून लैंड ही है, लेकिन ये और भी बढ़िया दिखाई दे रहा है ये नज़ारा। और हम लोग पहुंचने वाले हुंडर, हुंडर के लिए अभी भी 22 किलोमीटर जाना है। और बड़ा बड़ा वैली दिख रहा है इधर पर, वैली नहीं ये क्या बोलते इसका, ढलान, मिट्टी पत्थर का ढलान। Wow! See the landscape, guys. ये होता है लैंडस्केप बढ़िया वाला। ले जैसा ही है ये जगह, लेकिन ये थोड़ा कम क्राउडेड है और इतना ज़्यादा सिटी डेवलप नहीं हुआ है। और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है भाई ये, दिल गार्डन गार्डन हो गया। और यहीं पर है दीक्षित 17 किलोमीटर लेफ्ट की तरफ, सुमोर पानामिक 40, और यहाँ पर है एडवेंचर राइट। देखो सर, जहाँ सैंड आएगा ना रुकना नहीं होगा। सैंड देखकर ऐसे गियर, क्या गियर इसमें आगे पीछे का, ये ना इसको ठीक है, ये ब्रेक है और ये एक्सीलेटर है। ब्रेक से पैर हटा देना, हल्का हल्का फुल प्रेस करो आप। हाँ बड़ा कुदाना। तो थोड़ा सा एडवेंचर राइड भी हो गया
अब निकल रहे हैं फिर से नुब्रा की तरफ। अब कैमल राइड करना है और उससे पहले पानी पीना है भाई। रोडिंग भी है, दीक्षित पहुंचने से 11 किलोमीटर पहले थोड़ा ऑफ रोडिंग भी करना है फिर से। रास्ता थोड़ा रफ है भाई। और पहुंच गए पता नहीं कहाँ। कोल्ड डेजर्ट है यहाँ पर, लेकिन इसको कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं ये वाले एरिया को। और बहुत सारा कोल्ड डेजर्ट एरिया है इधर। सैडलिंग कर देता हूँ, थोड़ा रॉफ रोड है इधर तो थोड़ा सैडलिंग बनता है भाई। ऐसे रोड में और अच्छा रोड आ गया। बढ़िया नज़ारा है, बढ़िया। पहुँच गए दीक्षित, वहाँ पर एक स्टैचू है बड़ा सा मोनेस्ट्री, यहाँ से दिख रहा है उस साइड में, वो एरिया को बोलते हैं दीक्षित। तो पहुंच गए दीक्षित। दीक्षित नुब्रा वैली, पता नहीं कौन सा है, शायद यही होगा नुब्रा वैली भी। सैंड ड्यून्स है इधर और साइड में छोटा सा रिवर भी है जहाँ पर लोग गाड़ी दौड़ रहा है। ये है सैंड ड्यून्स। बढ़िया है भाई, बढ़िया। कोल्ड डेजर्ट, ये है एक कोल्ड डेजर्ट। देखते हैं कैमल है कि नहीं इधर आज। टाइम अभी 4 बज गए और पहुंच गए हुंडर वैली। और इसी वैली के उस पार है डबल डबल हम्प वाला कैमल, उधर मिलता है। और मेरे पीछे है सैंड ड्यून्स बड़ा बड़ा, और सामने ही है रिवर। अभी जाएंगे थोड़ा कुछ खाएंगे और उसके बाद जाएंगे कैमल राइड करने के लिए। Didn't get away.
Langdae 5. अभी हम एंटर करने वाले हैं कोर डेजर्ट थोड़ा स्पीड में. मजा आ रहा है, मजा मजे मजे. Come to Nubra Valley. तो अभी कैमल राइड कंप्लीट हो गया तो सीधा रूम पे जाएंगे और बैटरी भी डाउन होने वाला है तो सीधे रूम पे ही मिलते हैं. तो फ्रेंड्स कल हम यही होटल पे रुके थे होटल पे और यहाँ का नज़ारा कुछ इस टाइप का है. ये हम लोगों का रूम है, होम स्टे है ये, जो 2500 का पड़ा एक रूम का और एक रूम में तीन आदमी करके बैठा था. और अभी हम लोग पेंगोंग लेक की तरफ निकल रहे. तो आज का इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग.